राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। आज यानी कि सोमवार को प्रदूषण के स्तर में कल शाम के मुकाबले कुछ हद तक राहत मिली है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज सुबह से ही दिल्ली NCR के इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं। आज के मौसम की बात करें तो फिलहाल दिल्ली का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है और उसके साथ साथ दिल्ली NCR में जो हवा है वो काफ़ी तेज चल रही है, हवा की गति अच्छी चल रही है और यही वजह है कि कल शाम के मुकाबले आज फिलहाल प्रदूषण जो है वो कुछ हद तक जो है कम नज़र आ रहा है। सफ़र ऐप के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितना आंकड़े दिखा रहे हैं, क्या कुछ है। ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो PM2.5 जो है 322 बना हुआ है, जो कि कल शाम को करीब 353 था। साथ ही और दिल्ली के इलाकों की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2.5, वो 312 बना हुआ है और कल शाम को 341 था। और साथ ही NCR के इलाके की बात करें, गुरुग्राम के इलाके की बात करें तो यहाँ पर भी PM2.5 171 यानी कि मॉडरेट बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि NCR के इलाके में तेज़ हवा चल रही है, जो कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स कल हमने आपको दिखाया था कि पुअर क्वालिटी में था, वेरी पुअर क्वालिटी में था, लेकिन आज मॉडरेट क्वालिटी में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही नोएडा की बात करें तो नोएडा में यहाँ पर जो टेम्परेचर है फिलहाल 360 बना हुआ है, जो कि कल 467 था, यानी कि अच्छी खासी गिरावट आज प्रदूषण के स्तर में यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सुबह से ही दिल्ली NCR के इलाकों में तेज़ हवाएं चल रही हैं। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी आशंका जताई है कि जम्मू कश्मीर में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अब शुरू हो चुका है और उसकी वजह से आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली NCR के जो इलाका है और उत्तर भारत का जो इलाका है यहाँ पर हवा की गति जो है वो कम हो जाएगी और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली में हवा की जो गति है वो ठीक ठाक बनी हुई है और उसके साथ साथ प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए तमाम जितनी सरकारें हैं वो उपाय ढूंढ रही हैं कि किसी तरीके से जो है इस प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि आर्टिफिशियल रेन कराने की भी बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल आज प्रदूषण जो है कुछ हद तक कल के मुकाबले कम नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना ये होगा कि क्या कुछ मौसम विभाग अनुमान लगाता है और क्या कुछ प्रदूषण की स्थिति रहती है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले समय में अगर टेम्परेचर और भी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि मौसम विभाग ने यही अनुमान लगा लिया है कि 10-11 तारीख तक दिल्ली का जो तापमान है वो काफ़ी कम हो जाएगा और यही आशंका जताई जा रही है कि अगर तापमान कम होता है और नमी बढ़ती है तो प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और देखना यही होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर जम्मू कश्मीर में होता है तो उसका असर कितना उत्तर भारत में पड़ता है। कैमरामैन हरीश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।